बेटा, नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सेम एक्सरसाइज, दैट इज 12.3, क्वेश्चन नंबर 13। हां जी, व्हाट इज रिटन इन द क्वेश्चन नंबर 13, प्लीज सी द बुक केयरफुली। आई एम ड्रॉइंग द फिगर हियर। Here it is a quadrant and a square is a square is drawn here. O A B C Q and this is P. Okay, and we have to find this shaded region. Anna, firstly we will read the statement. Hanji. In the figure, square O A B C is inscribed in a quadrant O P B Q O A. Here it is written 20 centimeter. Anji beta, find the area of the shaded region and given pi is equal to jo hai 3.14. Yes, Vivan. Very good. Area of quadrant minus area of square करेंगे. तो 100% शेडेड रीजन आएगा, बट प्रॉब्लम क्या आई, लेट अस सी। पहले जो रिक्वायर्ड एरिया हम लिखते हैं, रिक्वायर्ड एरिया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए मैं तो ड्रॉ कर देती होती हूँ, आप पूरा लिखोगे। ओके जी, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। अब बेटा देखें, मेरे पास स्क्वायर की साइड दी है ना, 20 दी हुई है, तो मैं 20 × 20, बट व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस इज नॉट गिवन टू अस। दैट मींस कि बिल्कुल मेरे दिमाग में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है, किसका, क्वाड्रेंट का। अब देखिए, अगर मैं डायगोनल स्क्वायर का ज्वाइन कर दूं, तो ये क्वाड्रेंट का क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है ना। तो दैट मींस कि मेरा है, मैं इस आर को कैलकुलेट कर दूं। इफ दिस इज अ स्क्वायर, ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 20। तो स्क्वायर में ये क्या होता है, 90। वर्टेक्स एंगल, कैन आई अप्लाई हियर द पाइथागोरस थ्योरम, कर सकती हूँ ना। तो दैट मींस आई एम यूजिंग, अब आप ये साइड पे करोगे, using Pythagoras theorem in triangle OAB 20 square plus 20 square is equal to R square. R square is R is plus minus root 400 plus 400 plus minus root 800, that is plus minus 20 root 2 centimeter. प्लस माइनस क्यों लिया, पता है ना, स्क्वायर जब उधर जाता है, बट हमें पता है रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हमें पता है वो क्या एक्सेप्ट करेंगे, हम पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो दैट मींस मेरे पास देयरफॉर आर इज 20√2 सेंटीमीटर, रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। ओके, तो अब मैं आर यहां पर यूज करूंगी, आर स्क्वायर की वैल्यू मैं सीधा ही यूज कर सकती हूँ, दैट इज 800, तो मैं सीधा ना भी निकालती तो मैं यू सीधा ही कर सकती, ओवर 4 माइनस हो गए मेरे पास 400, तो बेटा ये 200, पाई की वैल्यू 3.14 माइनस 400, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके जी, क्लियर, जितना भी हमारे पास आंसर आएगा जल्दी जल्दी। बी फास्ट, नोट इट डाउन बेटा। Till then, I'm drawing the next figure. Jaldi, jaldi, beta. Jitna bhi answer aaya, beta. Okay, ji. Anji. Now, please see the next figure.
what is written in the next figure and what is given in the next question, it is written in the question number 14 that AB and CD jo hai are respectively the arcs of two consecutive circles of radii 21 and 7 cm. Now beta, and the center O jo hai as shown in the figure, this is center O, angle AOB that is 30 degree given to you, find the area of the shaded region. Rian, very good. According to Rian, sector OAB minus sector OCGD, हम माइनस कर दे तो शेडी रीजन, बिल्कुल करेक्ट बोला. अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है इसकी. लेट अस सी, ठीक है ना. फॉर दैट बेटा, फर्स्टली रिक्वायर्ड एरिया, दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर, हाँ जी, ओ ए बी माइनस मेरे पास जो है एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी. नाउ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 3/6. थीटा तो दोनों में सेम है ना, तो लेट इट बी थीटा. अब चेंज क्या होना है, आर. अब मेरे पास आर चेंज होना है, तो मैं यहाँ पर जो है आर में क्या चेंज करके कर सकती हूँ, एक रेडियस जो है आर वन है, एक रेडियस मेरे पास क्या ले लूंगी, आर टू ले लूंगी. तो मेरे पास जो है मैं क्या करूंगी यहाँ पर बेटा, लेट इट बी आर वन एंड नेक्स्ट पाई आर टू स्क्वायर थीटा बाय मेरे पास हो गए दैट इज 360. और मेंशन कर दूंगी, देखो थीटा मेरे पास है यहाँ पर दैट इज 30 degree, और मेरे पास हो गए आर वन आर टू है मेरे पास दैट इज बेसिकली 7 एंड क्या हो गया मेरे पास That is 21 degree. अब R1 21 degree है और R2 7 centimeter. Okay बेटा, clear? कोई doubt तो नहीं? तो that means मेरे पास जो है values put करेंगे and we will get. आप क्या कर सकते हो? Pi theta by 360. क्या कर लो? Common ले लो. उससे calculations क्या हो जाएंगी? Easy हो जाएंगे. I am putting the value. मेरे पास जो है अगर आप देखोगे पाई का कोई फिक्स नहीं लिखा, तो जो मर्जी यूज कर लो. 22/7 थीटा मेरे पास हो गए 30/360 इनटू 21² - 7² सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर. आर वन बेटा मेरे पास 21 दैट इज मेंशन, ओ बी 21 सेंटीमीटर, ओ सी 7 सेंटीमीटर. ओके क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को, चले आगे. हाँ जी, कम टू नेक्स्ट बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 में बेटा व्हाट इज रिटन हियर इन द फिगर ए बी सी इज अ क्वाड्रेंट, ध्यान से, of a circle of radius 14 centimeter. Here it is written, this is a quadrant, ye lijiye, okay, of jo hai radius 14 centimeter. Okay beta, now what is written, a semicircle is drawn. Mere paas na ye B A C, aur mere paas yahan par likh diya ki BC se maine kya kiya कि एक डायामीटर जो है मैंने ड्रॉन किया, तो मेरे पास जो है यहाँ पर बीसी से ड्रॉ डायामीटर करके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया. ओके, तो उसने कहा अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, मुझे ये कैलकुलेट करना है. हाँ जी, कौन सा बार वाला बेटा, बीसी को डायामीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया था.
बीसी को डायामीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया। हाँ जी बताना है, बताओ जी। पहले सेक्टर लेंगे, अच्छा हाँ जी सेगमेंट, ओके ये सेगमेंट आ गया ये वाला, फिर वेरी गुड। अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से सेगमेंट क्या कर दूं, माइनस। अब सेगमेंट कैसे निकालेंगे? हाँ जी बेटा बिल्कुल, मैंने सेगमेंट पूछा, आई एम नॉट आस्किंग यू द कि रेडियस कैसे, सेगमेंट निकालेंगे कैसे। हाँ जी हाँ जी, नब कौन सा ओके हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा भी लगा सकते हैं या एरिया वैसे भी लगा सकते हैं। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल और उसका एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाई, क्या होता है हाफ बेस इनटू हाई। तो मेरे पास जो है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट भी लगा सकते हैं ताकि कोई भी हमें प्रॉब्लम ना आए। बेटा जरा साइलेंट हो। हाँ जी अब बेटा देखिए मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ, कॉन्सेप्ट यूज करने लगी हूँ। हाँ बात वही होगी, वन इज द सेम थिंग, निकालना तो मेरे पास जो है सेगमेंट ही है ना। अगर आप क्वाड्रेंट में से ट्रायंगल माइनस कर दो आया तो सेगमेंट ही, वन इज द सेम थिंग। अब बात रहेगी मेरे पास आर पता है, अगर मैं सेक्टर की बात करूं थीटा पता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम सिर्फ आनी है जब मेरे पास सेमी सर्कल का मुझे क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो मेरे पास आर नहीं है, बट मैं आर कैसे कैलकुलेट कर सकती हूँ, मेरे पास डायामीटर है, ये डायामीटर सेमी सर्कल का है, ये निकल जाएगा कैसे? हाँ जी पाइथागोरस थ्योरम से मैं डायामीटर निकालूंगी, उसका हाफ करूंगी, वो क्या हो जाएगा रेडियस। सब निकाल सकते हो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कि करके दिखाऊं? श्योर ओके जी। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन 16। हाँ जी एक बेटा मेरे पास जो है फिगर दी हुई है, इट इज अ स्क्वायर, मेरे पास डिजाइन दिया हुआ है इसमें ऐसे, और ईच कॉर्नर एंगल स्क्वायर है तो ऑब्वियस है 90 होगा, 8 सेंटीमीटर मेरे पास जो है साइड दी हुई है। नाउ बेटा अब उसने क्या कहा हुआ है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स। ये वो एरिया है जो दो क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन एरिया है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। अगर आप वैसे भी देखते हैं ना, देखो ये पहला क्वाड्रेंट ड्रॉ किया मैंने, ये किया ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ, अब सेकंड ड्रॉ करूं तो मेरे पास ये सेकंड ड्रॉ किया, दोनों के बीच में कॉमन एरिया ये लाइंस वाला ही आया, ये कैलकुलेट करना। अब इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। हाँ जी लक्ष्य बेटा बताओ। दोनों क्वाड्रेंट का आप कह रहे हो कि सेगमेंट निकाल के ऐड करते, बिल्कुल सही है। और ये वाला शेड ही निकालना, मैंने तो अभी बेटा कुछ समझाया नहीं, अभी तो डिस्कस कर रहे हैं। नहीं नहीं बेटा हाँ जी विवान, बेटा देखो अगर मैं ध्यान से, हाँ जी बेटा बेटा नहीं, सेगमेंट अगर निकाल लिया बेटा
फिर तो प्लस करेंगे तो ये आ ही जाएगा, कोई जरूरत ही नहीं कुछ माइनस करने। एक तरीका और भी है, वो है, हाँ जी बेटा, यस बिल्कुल सही बोला, दोनों क्वाड्रेंट। देखो कैसे, पहला जो क्वाड्रेंट मैंने लिया था ये पूरा था, ये था, एम आई राइट? दूसरा क्वाड्रेंट जब मैंने लिया ये एरिया पूरा आ गया, आया कि नहीं आया? उसमें स्पेयर एरिया कितना आया अगर मैं दोनों को ऐड करूं, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, और ये बीच वाला एरिया जो लीव टाइप था, कितनी बार एरिया आया? दो बार आया, हमें तो एक बार चाहिए था, एक बार क्या आ गया एक्स्ट्रा। तो देखा जाए ये पार्ट वन, ये पार्ट टू और ये पार्ट थ्री, ये क्या आ गया एक्स्ट्रा आया। ये पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री एरिया मिला के कौन सा एरिया बन रहा है? स्क्वायर। यानी दोनों क्वाड्रेंट के एरिया को ऐड करके उसमें से स्क्वायर का एरिया क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो मेरी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी कि नहीं? हाँ जी, स्क्वायर तो छोटा है, स्क्वायर छोटा है, अगर आप क्वाड्रेंट दोनों क्वाड्रेंट को ले रहे हो बेटा, दोनों क्वाड्रेंट को ले रहे हो मतलब सर्कल के फोर्थ पार्ट को ले रहे हो, तो बेटा पहले क्वाड्रेंट में, मैं यही तो समझा रही हूँ आपको, देखिए मैं दोबारा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सी वेयर मुझे ये एरिया चाहिए था, एम आई राइट? अगर मैं वाइट चौक से ही ड्रॉ करके दिखाती हूँ, तो आपकी पहला लिया ये क्वाड्रेंट इतना, इसमें बेटा ये सारा एरिया आ गया, आ गया पहला एरिया। मैंने लिया ए वन क्वाड्रेंट प्लस, अब मैं ले रही हूं सेकंड क्वाड्रेंट, उसको भी ऐड कर दूं ये वाला। जब मैंने उसको ऐड किया क्या आ गया? ए टू क्वाड्रेंट। अब खुद बताओ, अगर मैं दोनों को ऐड कर रही हूं तो मेरे पास तो एक्स्ट्रा बन रहा है, क्या एक्स्ट्रा बन रहा है? स्क्वायर का एरिया एक्स्ट्रा आ गया बीच में, मुझे नहीं ना चाहिए था, आपने स्क्वायर माइनस बोला था बेटा, उल्टा हो गया था। स्क्वायर का एरिया मेरे पास छोटा है, दो क्वाड्रेंट का मिला के ज्यादा बन रहा है, तो क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर करेंगे। अब बात समझ आई? हाँ जी, एक एक करके बोला करो बेटा। बेटा उसने मुझे कहा है डिजाइन वाला एरिया, अब डिजाइन में व्हाइट कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक है, मुझे उसका क्या लेना बेटा? शेडेड वो ऐसे नहीं करके देते, वो स्मूथ करके देते, अगर वो शेडेड भी कहते तो दिस इज शेडेड, इतना एरिया ये इसी में डिजाइन है, दिस इज शेडेड। ऐसा नहीं होता बीच में छोटी छोटी ट्रायंगल माइनस कर दो जी, ऐसा कभी नहीं आता। ओके, सबको समझ आया? अब क्वाड्रेंट का एरिया मेरे पास जो है 1/4 पाई आर स्क्वायर, आर कितने है? 8 दिया ना, इसी से क्वाड्रेंट बनाया था ना, रेडियस इतना ही है ना, तो आर स्क्वायर 8 स्क्वायर सेम 8 स्क्वायर प्लस माइनस, स्क्वायर की साइड भी तो 8 ही है, वो क्या हो गया 8 × 8। ओके, सबको बात क्लियर हो गई? किसी के दिमाग में एनी डाउट दैट कम्स इन योर माइंड? नो, सॉल्व करना है जी, लीजिए देख लीजिए, पाई की वैल्यू कोई दी तो नहीं है? नो, तो वी कैन यूज 22/7। हाँ जी, ये 4 नीचे 8 × 8, ये सेम सेम है ना दक्ष, इसको ट्वाइस कर देती हूँ, देखो 2 times, एक चीज सेम सेम होती है उसको डबल कर सकती है कि नहीं? 2 times, एक ही बात है, कॉमन लेगा तो बेटा 1+1 ही अंदर बचेगा, तो वो 2 ही हो गया, हुआ कि नहीं? प्लस माइनस 64, अब ये कटिंग कर रही हूं 2 × 11, ये 64 × 11 कीजिए बेटा मल्टीप्लिकेशन,
704 by 7 minus 64. अब कीजिए 100 क्योंकि नहीं जा रहा मेरे पास, और 0.80 बचा 40, और ये जाएगा 5 पे, अप्रोक्सीमेट ले रही हूँ, माइनस कर दीजिए एंड गेट योर आंसर। हाँ जी ऐसे मर बात तो कोई सेगमेंट के लिए भी तो तुम सेक्टर माइन, मैंने गलत तो नहीं कहा बेटा, आपकी मर्जी है, इट इज टोटली अप टू यू, दोनों को मैंने आपको कहा बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है जी, ओके चले आगे। चलिए दिस कंप्लीट्स योर दिस चैप्टर। हाँ जी अब नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करने लगे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर। हाँ जी वेरी इजी वेरी इंटरेस्टिंग, आज एक बेस समझा रही हूँ प्रोबेबिलिटी का, प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, डाइस के बारे में, सब कुछ ध्यान से सुनना, उसको रिकॉल कर रहे हैं हम, कॉन्सेप्ट वही जो सारा हम आपको नाइन्थ में करवा चुके हैं, ओके। अब मेरे पास चैप्टर प्रोबेबिलिटी में बेटा हाँ जी आपने प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फर्स्टली टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोबेबिलिटी टर्म, प्रोबेबिलिटी चांस, वेरी गुड, एनी अदर वर्ड, आउटकम इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इज चांस, बिल्कुल करेक्ट वर्ड है, कि पॉसिबिलिटी कितनी पॉसिबिलिटी है, बारिश आए ना आए, हम वर्ड पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी एक्सचेंज करके यूज करते हैं, कितना चांस है कि बारिश आए या ना आए, ठीक है ना। अब अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए एक इवेंट को हम डिफाइन करते हैं, जैसे हम डाइस थ्रो करते हैं, क्या क्या आ सकता है आपके माइंड में, क्या क्या होता है, या वन या टू या थ्री या फोर या फाइव या सिक्स, कभी तुम सोच भी नहीं सकते कि सिक्स से आगे वाला नंबर आ, बिकॉज वो डाइस थ्रो करने पे हमारा आउटकम कभी भी नहीं हो सकता, ओके जी। इसीलिए हमारे पास हर इवेंट, इवेंट को मैं कैपिटल ई से डिफाइंड कर रही हूं, तो मेरे पास हर इवेंट के आउटकम्स होते हैं, उसके फेवरेबल आउटकम्स, या वो इवेंट कहां से लिया गया, किस सैंपल स्पेस से लिया गया, उस पर डिपेंड कर, मतलब हमारे पास हो गए किसी भी प्रोबेबिलिटी जो है इवेंट की, वो क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ। अब मैंने वर्ड कितने सारे यूज किए, सैंपल स्पेस है ना, प्रक्षित स्टैंड अप बेटा, स्टैंड अप आई सेड, हाँ जी, आउटकम्स मेरे इवेंट्स के क्या क्या हो सकते हैं, व्हेन आई थ्रो ए डाइस प्रक्षित, हाँ जी व्हाट विल बी द आउटकम, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 मेरे पास, ओके। व्हेन आई सेड कि मेरे पास जो है प्लेइंग कार्ड्स हैं, कोई एक प्लेइंग कार्ड लेना है, क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हाँ कुछ भी, तो बेटा एप्पल मैंगो ये भी आते हैं, कुछ भी में प्रेक्षित भी आता है, आता है क्या नहीं, जो है बेसिकली प्लेइंग कार्ड के नंबर में से कोई आएगा, एस आ सकता है, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, सो एन अप टू 10, या जैक क्वीन किंग, और इसमें भी वैरायटी है, फोर सूट्स में से कुछ भी आ सकता है, सूट्स कौन कौन से अभी बताते हैं आपको प्लेइंग कार्ड्स के बारे में, ठीक है,
खड़े ही रहना। हाँ जी, अब मैंने आपको बेसिकली सैंपल स्पेस के बारे में बताना था। और जरूरी नहीं है कि सैंपल स्पेस फाइनाइट हो मेरे पास, डिपेंड करता है। मैं कहूं मेरे पास नेचुरल नंबर में से ना मैंने मल्टीपल ऑफ टू लेने, सैंपल मल्टीपल ऑफ टू, तो नेचुरल नंबर मेरा सैंपल स्पेस है, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, एंडलेस मेरे पास है। क्या है? एंडलेस। बट आपको सिलेबस में फाइनाइट वाला ही आता। ओके जी, हम हमेशा प्रोबेबिलिटी फाइनाइट नंबर में से ही काउंट करते, ठीक है जी। फिर मेरे पास जो है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट, वो हमेशा क्या होता है? 1। बार का मतलब नॉट। मेरे पास एक बैग में ब्लू है, रेड है, मैं कहूं नॉट रेड, इसका मतलब कौन सी बॉल जुटानी है? ब्लू वाली। ये सारी चीजें हम 7th, 8th, 9th में कर चुके हैं, am I right? हाँ जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कभी नेगेटिव हो सकती है? 1 से बड़ी हो सकती है? 0 हो सकती है? जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उस इवेंट को हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, श्योरिंग, उसे क्या कहते हैं? श्योरिंग। ओके बेटा, नाउ हाँ जी, अब मैं आपको अलग अलग इवेंट्स के रिलेटेड उनकी आउटकम्स, जैसे डाइस के रिलेटेड मैंने आपको आउटकम लिख के दिखाई ना, पूरे सैंपल स्पेस 1 से लेकर 6 तक। सबसे पहले बात करते हैं कॉइंस की। अब आपके पास मान लीजिए व्हेन यू थ्रो 1 कॉइन, आउटकम क्या क्या हो सकता है? 1 कॉइन पे हेड एंड टेल। बट व्हेन यू थ्रो 2 कॉइंस तो आउटकम्स देखिए, हम उसका कॉइन ट्री बनाते हैं। हाउ वी ड्रॉ इट? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, दिस इज व्हेन यू थ्रो 2 कॉइंस, यहां आउटकम्स हेड और टेल होता है सैंपल स्पेस। बट इफ आई राइट हियर, मेरे पास हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, दीज आर द आउटकम। बट व्हेन वी थ्रो 3 कॉइंस है ना, तो बेस्ट वे हमेशा कॉइन ट्री बनाइए। हाँ जी, देखिए हेड, ये देखिए, देन टेल आया, सेकंड बार हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है, हेड और टेल दोनों आ सकते हैं। अब कैसे मैं केस बनाऊंगी यहां पर? तो मेरे पास हो गए हेड 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 टेल हेड हेड टेल, नेक्स्ट टेल, हाँ जी, ये मेरे पास पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। अब बेटा जब तक आपको आउटकम्स नहीं ना लिखने आते हैं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, इम्पॉसिबल। अब सबसे बड़ी बात है, जब हम ये क्वेश्चंस करते हैं ना, हमारे पास बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की यूज होती है, बट वो इंग्लिश वाली टर्मिनोलॉजी को मैथ्स का उसमें क्या मतलब है? टर्मिनोलॉजी मीन्स टर्म्स, जैसे एटलीस्ट, एटमोस्ट, है तो ये वर्ड इंग्लिश के हैं, बट मैथ्स में एटलीस्ट एटमोस्ट को भी हमने समझना है। अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी निकालो
at least one head की when you throw three coins. मैंने बोल दिया, मैंने आपको exactly ये नहीं बोला कि probability निकालो one head की, मैंने नहीं बोला ना, मैंने क्या बोला? At least one, word at least लिख दिया, यानी कम से कम one head लेना है, यानी मैं one head भी ले सकती हूँ, मैं two भी ले सकती हूँ, मैं three भी ले सकती हूँ, यानी मैं अगर इन केसेस में देखूं, है ना, साथ ही हम क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, तो मैं अगर यहाँ पर देखूं at least one head, यानी ये वाला फेवरेबल केस है, ये वाला फेवरेबल, ये वाला, ये वाला, ये सिर्फ ये नहीं आना ना, तो दैट मींस कितने केसेस हो गए? सेवन टोटल कितने थे? ये किसकी प्रोबेबिलिटी है? एटलीस्ट, क्योंकि इसमें जीरो हेड है, मैंने कहा मैंने आपका ट्रिप लेके जाना है, लेकिन कम से कम मैं अपने साथ एक टीचर एक्स्ट्रा लेके जाऊंगी, कम से कम सीट मेरे पास तीन की है, यानी मैं एक एक्स्ट्रा टीचर भी लेके जा सकती हूँ, क्योंकि टेंथ डी क्लास है, इतनी सिंसियर क्लास, एक से मेरा गुजारा नहीं होगा, तो मैंने क्या किया, दो और ले सकती हूँ, या तीनों के तीनों को, क्योंकि टेंथ डी अच्छी बहुत है ना, तो उस क्लास को संभालने के लिए आई नीड मैक्सिमम टीचर्स, सो दैट्स व्हाई आई मतलब रिक्वेस्ट देम टू प्लीज कम विद मी फॉर द पिकनिक, सो दैट कि हम इन सबको संभाल सके, ठीक है? ओके जी, बात समझ आ गई दक्ष? एटलीस्ट का मीनिंग आई थिंक नाउ इट इज मोर क्लियर, अब नहीं कोई पूछेगा मेरे से। हाँ जी, अब नेक्स्ट मेरे पास है वर्ड एट मोस्ट। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी हमने निकालना है एट मोस्ट। हाँ जी, अब एट मोस्ट में मेरे को ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू दे दी, मैंने उससे नीचे वाली जानी है सारी। अब जब नीचे वाली जानी होती है ना, तो जीरो भी कंसिडर करते हैं, अगर हो केस, अगर गया केस, अगर जीरो वाला नहीं है तो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। समझ आगे बात? जैसे मैंने कहा एट मोस्ट थ्री हेड्स, यानी कौन कौन से वाले लेंगे? प्रोबेबिलिटी थ्री हेड, प्रोबेबिलिटी टू हेड, प्रोबेबिलिटी वन हेड, प्रोबेबिलिटी जीरो, यानी यहाँ जीरो आ सकता है। क्यों? मेरे पास एक केस था जिसमें कोई भी हेड नहीं, कर लो माइनस। बिल्कुल जी, सारे आएंगे, श्योर इवेंट, 100%। ओके जी, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, एटलीस्ट यूज कर लिया, एट मोस्ट यूज कर लिया, अब हम करेंगे एंड और। हाँ जी, ओके जी, वी विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक टुमारो, टिल देन